गाइस अभी हम है कलोंगट बीच के पास। सामने में बता दूं कि आपको यहाँ से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पे है कलोंगट बीच। और जब से गोवा में आए हैं, लास्ट दिन है आज मेरा, और एक भी दिन मतलब यहाँ पे फिर मछली नहीं खाया। मतलब गोवा में आए और फिश ना खाएं, मतलब एक तो मेरा फिश फेवरेट आइटम है और गोवा में जब से आए तब से मछली नहीं खाएं, तो आज लास्ट दिन है और लास्ट टाइम है। अभी थोड़ी देर बाद मतलब हम लोग निकल जाएंगे मुंबई के लिए। तो बाकी अभी आपको बता दूं कि यहाँ पे हम कलोंगट बीच से सामने में आए और यहाँ पे एक पंजाबी हंडी, वेज और नॉनवेज दोनों है। तो यहाँ पे अभी चलते हैं और अभी हम खाएंगे यहाँ पे फिश थाली, तो देखते हैं क्या टेस्ट रहता है यहाँ का। सो यहाँ पे पंजाबी हंडी का कुछ इंडियन चाइनीज़ कॉन्टिनेंट और गोवन, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मेन्यू इसका। जैसा कि फर्स्ट में तो यहाँ पे विस्की है, रम वगैरह है, इसका प्राइस लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे वाइन वगैरह, बियर, मॉकटेल, कॉकटेल और इस साइड में देख रहे कॉफ़ी, जूस, शेक्स, लस्सी, और यहाँ पे ऑमलेट, टोस्ट, सैंडविच, पराठा, और इस साइड में यहाँ पे वेज, नॉन वेज। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मेन्यू, वेज स्टार्टर, नॉन वेज स्टार्टर्स, और यहाँ पे तंदूरी, सैलेड, नूडल्स, कंटिन्यूस स्ट्रीक, गोवन, यहाँ पे गोवन आइटम है, गोवा का स्पेशल आइटम सब ये। और यहाँ पे राइस, बिरयानी, चाइनीज़ वेज राइस, और यहाँ पे कुछ रोटी में ऐसा आइटम है, इंडियन वेज, नॉन वेज, इंडियन ग्रेवी। और यहाँ पे मैंने थाली में से ऑर्डर किया, जैसा कि आपको बता दूँ कि फ़िश थाली मैंने ऑर्डर किया यहाँ पे, और यहाँ पे वेज थाली भी है, चिकन थाली भी है, और रायता, और इसे कुछ इस तरह का यहाँ पे। तो अभी इंतज़ार करते हैं, अभी ऑर्डर दे दिया है, अभी आता है लंच तो लंच करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख रही है मेरा फ़िश थाली आया है। यहाँ पे एक फ्राई फिश है और एक ग्रेवी फिश है, बाकी ये चावल कुछ इस तरह का, यहाँ पे चटनी, अचार, सैलेड, और यहाँ पे सॉस और रोटी है। ये इसमें मतलब बता दो कि थाली में दो रोटी रहता है, और मनोज ने ऑर्डर किया है वेज थाली। वेज थाली में जैसा कि आप देख रहे हैं दो सब्ज़ी, चावल, दाल और सैलेड वगैरह, और इसका भी दो रोटी। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ फ़िश थाली 250 का और वेज थाली यहाँ पर 200 का। सो यहाँ पे मैंने पहले टेस्ट किया, अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तंदूरी रोटी है, तंदूरी रोटी के साथ ये दो तरह का जो मछली है, मतलब टेस्ट हमको तो अभी तक में बहुत अच्छा लगा। मतलब टेस्ट जो है आपको, ये वाला जो मछली है ना, इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये जैसा आप देख रहे हैं ये तिल डाल के बनाया हुआ है, और टेस्ट बहुत ही अच्छा है इसका, लाजवाब वाला। मतलब 250 के हिसाब से गोवा है, वैसे भी आप अगर नॉर्मल थाली भी लेते हैं ना, वेज थाली भी आपको 200 तक का मिलता है यहाँ पे, तो 250 रुपये में ये फिश थाली बहुत ही बेस्ट है। और टेस्ट भी सबसे बड़ा चीज़ है कि टेस्ट बहुत अच्छा है। तो गाइस अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे चावल और मछली, और मछली आपको बता दूँ कि ताज़ी मछली है और टेस्ट वाइज में बहुत ही अच्छी है। ताज़ी मछली है मतलब, और बनाया भी बहुत सफाई से और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। बाकी उसको लास्ट में फ्राई वाले को खाएंगे। सो गाइस लंच करके निकल चुके हैं। टेस्ट वाइज मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा था, और 250 रुपये गोवा के हिसाब से ठीक प्राइस था। और टेस्ट कर लिए, यहाँ से भी निकल रहे हैं, रूम जाएंगे, चेंज वेंज करेंगे, और उसके बाद फिर मुंबई के लिए निकलेंगे। तो हमारा ट्रेन आपको बता दूं कि तो मडगांव से हमारा ट्रेन है जो कि मुंबई के लिए, तो अभी शाम के 8 बजे ट्रेन है, तो यहाँ से निकलते हैं, रूम वूम जाएंगे, चेंज वेंज फ्रेश होकर फिर निकलेंगे स्टेशन के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।